क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो नंबर 5 फॉर डिजिटल मैथमेटिक्स एंड अदर कॉम्पिटिशंस एंड 12th लेवल्स मैथमेटिक्स के लिए एंड क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। तो इसमें वो सॉरी वीडियो नंबर 5 है, तो इसमें मैं शॉर्ट पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये रियल है, जो ए बी सी कॉन्स्टेंट है उनका मान अगर रियल है तो इफ ए प्लस बी प्लस सी, ये कंडीशन है, कभी कभी आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। अगर तीनों कॉन्स्टेंट का मान जीरो है तो ये कब संभव है? देन द रूट्स आर, देन रूट्स आर माइनस वन, नहीं सॉरी वन एंड सी अपॉन ए। एक रूट अल्फा इक्वल टू वन हो एंड बीटा इक्वल टू हो सी अपॉन ए, ठीक है। दो रूट्स होंगे, दो घात का इक्वेशन है, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। तो अल्फा का मान यहाँ पे वन होना चाहिए और बीटा का मान सी अपॉन ए, तब यह संभव है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो रूट्स वन एंड सी अपॉन ए होंगे। दूसरा पॉइंट से इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन रूट्स रूट्स होंगे माइनस वन एंड माइनस सी अपॉन ए। रूट्स होंगे माइनस वन एंड माइनस सी अपॉन ए, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस वन एंड बीटा इक्वल टू माइनस का सी अपॉन ए। पॉइंट नंबर थर्ड, तो इसको हम डायरेक्ट तैयार कर सकते हैं इस तरह से, ए बी सी ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। रूट्स रूट्स रेशो रेशो एम रेशो एन, यानी अल्फा रेशो बीटा इक्वल टू एम रेशो एन है। देन यानी कि रूट्स में एम और एन का अनुपात है, तो एम एन बी स्क्वायर कंडीशन मिलती है एम एन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी एम प्लस एन का होल स्क्वायर। इस पे और भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि रूट्स में एक अनुपात दो का अनुपात है तो एम इक्वल टू वन रख देंगे और एन इक्वल टू टू रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कंडीशन हो सकती हैं, और अगर दो और एक का अनुपात हो तो अल्फा इक्वल टू टू एम इक्वल टू दो एन इक्वल टू वन, इस तरह से कंडीशन हम फॉलो कर सकते हैं या रख सकते हैं। जैसे एक पॉइंट इसमें करा के देते हैं, यानी एम रेशो एन इक्वल टू टू रेशो वन है, तो एम की जगह टू रखेंगे और एन की जगह वन रखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू ए सी टू प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर, टू वी स्क्वायर इक्वल टू ए सी थ्री का स्क्वायर, यानी कि टू वी स्क्वायर इक्वल टू नाइन ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए इज ग्रेटर देन टू जीरो, ए का मान जीरो से बड़ा है, द मिनिमम ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका मिनिमम मान क्या होगा, इज ए सी माइनस फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ठीक है। अगर ये मिनिमम है तो ए का मान जीरो से बड़ा है तो मिनिमम क्वांटिटीज ये होगी ए
इज़ ग्रेटर देन टू ज़ीरो तो मिनिमम क्वान्टिटीज़ ये होती है मिनिमम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर है, ये होता है मिनिमम। हम जैसे कि एज एग्जाम्पल दे देंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टेन ए एक्स स्क्वायर, ए का मन जीरो से बड़ा है कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो, ए इक्वल टू वन है, ए का मान ए इज ग्रेटर देन टू ज़ीरो तो मिनिमम हो जाएगा फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, बी का मान है माइनस टू सी का मान है टेन, अगर ये क्वेश्चन थी तो फोर ए का मान वन सी का मान टेन माइनस बी का मान माइनस टू का स्क्वायर फोर ए का मान वन, ये हो गया चालीस माइनस फोर अपॉन चार छत्तीस बटे चार इक्वल टू नाइन। तो मिनिमम क्वांटिटीज अगर पूछ रहा हो इस तरह से मिनिमम वैल्यू फाइंडिंग कर सकते हैं कि इसका मिनिमम मान क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगर ए छोटा है ज़ीरो से तो द मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इज फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, अगर ए जीरो से छोटा है तो मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है ये होगा फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। पॉइंट नंबर सिक्स, इफ ए इज ग्रेटर देन टू जीरो ए का मान जीरो से बड़ा है एंड एक्स प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस टोटल रूट एट इनफाइनाइट देन एक्स का मान कितना होगा तो एक्स इक्वल टू होगा वन प्लस अंडर रूट फोर ए प्लस वन अपॉन टू। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेवन है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इज डबल टू ईच अदर, रूट्स डबल हैं तो टू बी स्क्वायर इक्वल टू होगा नाइन ए सी, एक दूसरे के डबल है तो टू बी स्क्वायर इक्वल टू नाइन ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो इज एम टाइम टू अदर तो ये होगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर एम इक्वल टू ए सी वन प्लस एम का होल ऑफ स्क्वायर, बी स्क्वायर एम इक्वल टू ए सी वन प्लस एम का होल ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नाइन, वन रूट ऑफ इक्वेशन इज स्क्वायर द अदर रूट, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो इज स्क्वायर, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर स्क्वायर ऑफ अदर, एक दूसरे का स्क्वायर है देन ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यू इक्वल टू
थ्री ए बी सी, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यू इक्वल टू थ्री ए बी सी, ये कंडीशन इसमें फॉलो हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, इनको डायरेक्ट हम याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है, ठीक है। तो एक ना एक क्वेश्चन इधर से बनता रहता है इन टाइप से। और नेक्स्ट पॉइंट है द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर, द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर। इसमें आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कंडीशन है। तो कंडीशन बनेगी टू ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, टू ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर।